OnePlus Nord C3 Lite के बारे में इस वाले वीडियो में बात करेंगे। हमने स्पेक्स एंड रूमर्स जो है OnePlus Nord 3 के जो है लीक्स एंड स्पेक्स के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो कि आने वाला है जून एंड जुलाई में। तो अभी टाइम है, बट पहले जो लॉन्च होगा वो है C3 एंड C3 Lite। तो ये दो स्मार्टफोन्स पहले लॉन्च होंगे इंडिया में, एंड जो कहा जा रहा है जो C3 Lite है वो अप्रैल के 4th को जो है ग्लोबली लॉन्च हो सकता है, एंड अप्रैल के आखिर में आपको शायद इंडिया में देखने के लिए मिल जाए। तो हम सारे स्पेक्स के बारे में इस वाले वीडियो में बात करेंगे। आप जो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट पहले हम बात करेंगे C2 Lite जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था, एंड अंडर 20,000 वो बहुत ज्यादा वो स्मार्टफोन बिका, बहुत ज्यादा पॉपुलर बना। आप अमेज़न में जाके इसके रेटिंग्स चेक कर सकते हैं। तो उसके जो सेल्स है वो इतनी ज्यादा है, तो उससे पता चलता है कि लोगों ने जो है स्पेक्स इससे भी बेटर एमोलेड डिस्प्ले वाले स्पेक्स के साथ स्मार्टफोन को चूज नहीं किया है, एंड एलसीडी पैनल वाले एक स्मार्टफोन को चूज किया विद स्नैपड्रैगन 695। अच्छे खासे कैमरास भी वहां पर नहीं मिलते थे, तो लोगों ने जो है ब्रांड को चूज किया, लोगों ने चूज किया अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ऑक्सीजन ओएस मिल जाता है। हालांकि अभी रियलमी यूआई एंड ऑक्सीजन ओएस में कुछ भी फर्क देखने के लिए नहीं मिलता है, बट फिर भी वो ब्लोटवेयर फ्री है। तो लोगों ने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को चूज किया, लोगों ने ब्रांड को चूज किया, एंड आई थिंक सी लाइट भी कुछ डिफरेंस नहीं होगा इस साल भी, तो बहुत दबा के बिकने वाला है क्योंकि लोगों को वन प्लस चाहिए अंडर 20,000। मैं स्पेक्स के बारे में अगर बात करूं, बिल्ड क्वालिटी से अगर स्टार्ट करें तो यहां पर फिर से आपको प्लास्टिक बिल्ड ही देखने के लिए मिलेगा। जो फ्रेम होगा, जो बैक होगा, वो प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा कैमरा मॉड्यूल में चेंज मिल जाएगा, बट फ्रंट में आपको जो है कोई चेंज नहीं मिलेगा। जहां पर 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, बट वो एलसीडी पैनल है। आपको इस प्राइस में एमोलेड बड़ी आसानी से मिल जाते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के, बट वन प्लस आपको जो है यहां पर एलसीडी ही देने वाला है। तो यहां पर डिस्प्ले में कोई अपग्रेड जो है पिछले साल के मुकाबले देखने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एंड ये डिसअपॉइंटिंग ही है। एंड आपको प्रोसेसर की अगर बात करूं तो वही स्नैपड्रैगन का 695 मिलने वाला है, जो कि पिछले साल भी मिला था, जिसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, आपको 4K में यूट्यूब में वीडियोस आप प्लेबैक नहीं कर पाओगे। तो स्नैपड्रैगन 695 जो एक डिसेंट 5G वाला प्रोसेसर तो है, बट आई थिंक इससे बेटर प्रोसेसर जो कि IQ G7 लेके आएगा 920 के साथ, बट लोगों को वन प्लस चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम कैमरा के बारे में अगर बात करें, तो इस बार आपको जो है पिछले साल 64 मेगापिक्सल का ओमनीविजन मिला था, इस बार आपको 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर मिल जाएगा, बट वो भी बहुत ज्यादा आई थिंक अपग्रेड नहीं होगा, बट कैमरा ऑप्टिमाइजेशन देखना पड़ेगा। पिछले साल आपको जो है अल्ट्रा वाइड नहीं मिला था, इस साल भी आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ब्रांड्स अभी अल्ट्रा वाइड को स्किप कर रहे हैं, 1-2 मेगापिक्सल का बेकार का सेंसर मिल जाएगा, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा। तो कैमरा अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे तो नहीं लग रहा है, जहां पर IQ G7 एक जो है OIS कैमरा के साथ आता है, एंड आपको पता है Vivo IQ के जो कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन होती है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। नेक्स्ट अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो यहां पर आपको जो है ऑक्सीजन ओएस तो मिल जाएगा, ये एक रिलीफ है जहां पर आपको ऑक्सीजन ओएस मिल रहा है जो कि पूरा रियलमी UI है, बट आपको ब्लोटवेयर्स नहीं मिलेंगे, बट आपको अभी ऑक्सीजन ओएस 13 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, तो एंड्रॉइड 13 के साथ। तो वहां पर अभी जो है ब्राउजर उन्होंने डाल दिया है, थीम स्टोर उन्होंने डाल दिया है, तो ये सारे जो है अभी थोड़ा बहुत आएगा जो रियलमी का या जो कलर ओएस का जो फालतू के ऐप्स होते हैं वो भी कुछ डालेंगे। अभी ऑलरेडी 2 डल चुका है, थीम स्टोर एंड जो ब्राउजर वाला ऐप है, तो ये अभी फिर भी मैं कहूंगा कि क्लीन है इस वाले जो सेगमेंट में। जितने भी आपको UI मिलते हैं वो अच्छा है उस हिसाब से। वन प्लस का ब्रांड वैल्यू तो मिल रहा है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, एंड आई थिंक 67W का चार्जर मिल जाएगा। तो ये सारे स्पेक्स ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, ये फिर से अंडर 20,000 ही इसका प्राइस आने वाला है। ऑफर्स वगैरह लगा के 18 या 19 का आपको मिल सकता है, एंड देखेंगे, आने दीजिए, इस बार हम जो है परचेस करने वाले हैं। पिछले साल मैंने CE2 Lite इतना बेकार स्मार्टफोन लगा था, तो मैंने परचेस नहीं किया था, बट इस बार मैं करने वाला हूं, एंड मैं कंपेयर करूंगा जो IQ का G7 है उसके साथ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कैसा लगा कमेंट बता सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।